और अब बात मोदी कैबिनेट के विस्तार की। आज नए मंत्री काम में जुट गए हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंच गए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने, तो वहीं नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय जाकर कामकाज संभाला है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं आज के पहले दिन की। मनसुख मांडविया को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे और अपना उन्होंने मंत्रालय का प्रभार लिया। पूजा अर्चना भी इस दौरान करते हुए दिखाई दिए। गुजरात से आते हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए विश्वास पात्र माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने। और ये चार अहम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें अश्विनी वैष्णव आपको रेल मंत्रालय का कामकाज आज के दिन में संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मनसुख मांडविया की तस्वीर है, अनुराग ठाकुर सुबह सवेरे पहुंचे सूचना प्रसारण मंत्रालय, तो वहीं पर्यटन संस्कृति मंत्री बन गए हैं जी किशन रेड्डी, पहले गृह राज्य मंत्री थे, तो उनका पोर्टफोलियो यहां पर बदला है और उन्हें भी एलिवेशन मिला है। और इस वक्त ये ताजा तस्वीरें नेहा किरण रिजिजू की दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है, पहले खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, अब आज एक नई जिम्मेदारी नई चुनौती के साथ। और किरण रिजिजू जो कि युवा मंत्री माने जाते हैं, कई ऐसे युवा चेहरों को मौका दिया गया है इस बार मंत्रिमंडल में, उसमें किरण रिजिजू का नाम सबसे अहम है। अब कानून मंत्री हैं वो, इससे पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, अब रिजिजू को ये जिम्मेदारी दी गई है। पर अक्सर बड़ी भूमिका में नेहा देखिए रविशंकर प्रसाद दिखाई देते रहे हैं, अब ऐसे में उन्हें हटाकर किरण रिजिजू को यहाँ पर लाया गया है, तो ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़ों की भी छुट्टी कैबिनेट से हुई है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो, और किरण रिजिजू को इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास पात्र माना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कानून मंत्री के तौर पर उन्हें ये नया पोर्टफोलियो दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाके आए हैं तो सबको सभी पत्रकारों का मीनाक्षी यहाँ पर धन्यवाद करते हुए रिजिजू और पुराने मंत्रालय को अभी तक भूले नहीं है, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर ही डाला है। नया खेल उनके दिल के करीब है, हमने अक्सर देखा है कि अगर आप जैसे उनकी ट्विटर टाइमलाइन को भी देखें तो उनके अक्सर ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हुए और खुद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देते रहते थे। कई बार नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां और नया पदभार, नए जोश के साथ अब ये सभी मंत्री अपना कार्यभार संभालते हुए, सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। मैं मेरे तरफ से स्वागत करना चाहता हूं हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, दे आर ऑल हियर। आई एम एंटरिंग दिस रूम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज डेफिनेटली ए ह्यूज चैलेंज फॉर मी and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Centre, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subject and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country. So I will be briefed by the officers and as and when I'm guided by my seniors, the officials of this ministry, we will always try to be transparent and we will always try to be approachable for the media so that you will know what this ministry is doing and how we are performing.